आपका स्वागत है एंड वेलकम टू डेली टेक न्यूज हैशटैग 118। तो फाइनली आज 118 टेक न्यूज है और मैं 100 दिन में के बाद पहले मतलब जो पहले टेक न्यूज आ रही थी उसमें मैंने गलती से 118 लिख दिया। अब फाइनली आज है 118 ले और आज भी बहुत ही गर्मा गर्म नहीं है बट आपको पता हमारा स्पेशल तड़का लगा के हम कर देते हैं टेक न्यूज को गर्मा गर्म। तो एनीवेज ज़रा रिवर्स करके फटाफट से आज के टेक न्यूज शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दो चीज़। सबसे पहले अगर आप नए हो इस चैनल पे, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल को बजाइए, ऑल कीजिए ताकि मेरे वीडियो उसके आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका ग्रैंड वेलकम भी है मेरी तरफ से। एनीवेज दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भाई आज सैटरडे है और आज टेक न्यूज आ रही है, बाकी के दिन क्यों नहीं आए, पूरा वीक क्यों नहीं आई? तो उसका रीज़न है एक ही कि भाई मैं कुछ ट्राई कर रहा था। मतलब आपको पता होगा मैंने व्लॉग डाला था, उसके बाद बहुत दो गेम प्ले वीडियोस भी डाले थे। तो मैं ट्राई कर रहा था कि भाई मुझे किस पे ज़्यादा आपको मतलब अच्छा लग रहा है जो चीज़ें, तो मैं वो चीज़ ट्राई कर रहा था। और जो रिस्पॉन्स दिखाया आपने दोस्तों मेरे पिछले वाले पबजी वीडियो में और मेरे व्लॉग में, थैंक यू सो मच गाइज। और आप भाई सब्सक्राइब भी कर डालो, अभी हमें 60 सब्स चाहिए, हम कितने हैं अभी फिलहाल 56 समथिंग है। तो यार कर डालो अभी के अभी, 4 सब्सक्राइबर्स आ जाओ मेरे चैनल पे। एनीवेज और जो रिस्पॉन्स दिखाया उसके लिए वापस से अगेन थैंक्स टू यू ऑल। 60 प्लस व्यूज चले गए सब पे, भारी मतलब भारी भारी रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जितने मुझे टेक न्यूज पे नहीं मिलते। मैं इसलिए ट्राई कर रहा था कि कुछ नया करूँगा तो क्या आप लोग को पसंद आएगा। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए ज़्यादा आपको क्या देखना है, गेम प्लेज व्लॉग्स तो कम आएंगे बट आएंगे, और या फिर ये जो हमारी टेक न्यूज़ है या फिर कोई टेक रिलेटेड वीडियो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया, बहुत बातें कर ली, अब स्टार्ट करता है टेक न्यूज़। तो पहले घर की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ पर मोटरोला से। जी हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मोटरोला दोस्तों एक नया फ़ोन 24 अगस्त को लॉन्च करने वाला है, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी, डिस्प्ले भी बढ़िया होगा और प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा होगा। अब मुझे लग रहा है कि ये कुछ G9 जो मोटर G8 है, मोटो G8 है, उसका सक्सेसर G9 हो सकता है, बट लेट्स सी। 24 अगस्त को आ रहा है, आज कितना है, 22 है आई गेस, 22 अगस्त, तो दो दिन बाद आ जाएगा, सारी जानकारी आपको 22 अगस्त को मिल जाएगी। तो वैसे एक्साइटेड हूँ मोटरोला के नए फ़ोन के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए और साथ का अगला खबर क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, वीवो। जी हाँ, वीवो दोस्तों आपको पता होगा मेरे पास उसका Y15 है, फिलहाल इसका केस है, वो तो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, सॉरी। एनीवेज वीवो Y15 का जो सक्सेसर आएगा वीवो Y20, वो भी दोस्तों अब लिस्ट हो चुका है। वीवो ने डाल दिया मतलब उसका टीज़र वगैरह और कह दिया कि भाई ये सब मिलेगा। अगर हम देखें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 660 प्रोसेसर मिल रहा है, HD+ की डिस्प्ले मिल रही है, 18W की चार्जिंग मिल रही है, और दो आएंगे वीवो Y20 और Y20i। देखते कब आते हैं, आई एम नॉट एक्साइटेड वीवो Y15 के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके Y20 सीरीज़ के लिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नहीं हूँ, मैंने आपको बता दिया, बट जितना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है, मैं कवर के दिखा रहा हूँ, एनीवेज जितना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है मुझे डिसेंट लगा। देखिए मैं गेमिंग भी अच्छी खासी कर ही लेता हूँ इसमें, काफ़ी कम लो सेटिंग्स आती है बट स्टिल आई कैन, तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और Y15 मुझे लग रहा है अपने प्राइस को जस्टिफाई मेरे हिसाब से तो कर रहा है। ये जो मेरा फ़ोन है, मैं इसको करीब एक ईयर वन ईयर हो गया इसको यूज़ कर रहा हूँ, और जो यूट्यूब पर आप वीडियोज़ देखते हो वो सारे इसी से ही शूट हुए हैं, एक दो होंगे जो इससे शूट हुए हैं, बाकी के तो इससे ही शूट हुए हैं। देखते हैं Y20 सीरीज़ कितने में क्या प्राइस पर आती है, ये तो जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। चलिए और साथ का अगला खबर क्या, हमारे यहाँ पर दोस्तों OnePlus। जी हाँ, जब से OnePlus ने ये Nord लॉन्च किया ना, सब उससे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई ये बजट सीरीज़ में भी घुसेगा, आई मीन बजट रेंज में भी जाएगा। तो अब लग रहा है कि हाँ, ये जो आप बोल रहे हो मतलब ये जो पब्लिक बोल रही है कि जाएगा, वो लग रहा है कि जाएगा, क्योंकि दोस्तों जॉन प्रोसर उन्होंने दोस्तों दो OnePlus के जो फ़ोन्स हैं उनकी डेट तो नहीं, लेकिन इतना कह दिया कि कब लॉन्च होने वाले हैं। एक तो है दोस्तों OnePlus 8T, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है या फिर जो कोड नेम है वो है कबाब, केबाब समथिंग दैट,
कबाब जो स्पेलिंग होता है हम इंडियंस बोलते हैं वो केबाब समथिंग है। और जो दूसरा है दोस्तों वो है बिली, जो मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा। जी हाँ, या फिर वो वन प्लस का क्लोवर उसको हम कह सकते हैं। तो वो लग रहा है कि वो सितंबर के महीने क्या एंड में दो फोन्स वन प्लस लॉन्च कर सकता है। एक्साइटेड हूँ मैं स्पेशली बिली के लिए। 80 तो ठीक है, बट एनीवेज आप हो बिली के लिए, वन प्लस की बिली आप कमेंट करके बता सकते हो। चलिए और साथ का अगला खबर क्या होने यहाँ पर दोस्तों, सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M51 दोस्तों, इसकी इंडियन प्राइस और इंडिया लॉन्च डेट रिवील्ड हो चुकी है। जी हाँ, मुकुल शर्मा ने इस पर ट्वीट डाला था, उन्होंने कहा कि ये करीब 24,000 तक का हो सकता है, मतलब 23,990 वही 24,000। और इसका जो मतलब डेट होगा वो 10 सितंबर को हो सकता है M51। और इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी और प्रोसेसर कंफर्म नहीं है, कोई कह रहा है 730 होगा, कोई कह रहा है 675 होगा, कोई कह रहा है एक्जिनॉस होगा। अगर एक्जिनॉस हुआ ना, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे ये पर जो इंटरेस्ट ही नहीं है फोन में अगर एक्जिनॉस हुआ तो। बाकी देखते हैं सैमसंग क्या करता है इस बार, क्या अच्छा करता है या फिर देखते क्या होता है। ये तो जब आएगा 10 सितंबर को शायद हो रहा है लॉन्च, तो तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। अगेन दिस इज जस्ट अ रूमर्स, इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लो, मतलब एक कान से सुना दूसरी कान से निकाला वैसे ही करो, कुछ ज़्यादा मत करो। क्योंकि जब सैमसंग खुद बोलेगा तब मैं आपको बोलूँगा, जब आप फैला दो 10 सितंबर को लॉन्च हो रहा है फैला दो उसको। तो जी हाँ, फिलहाल तो मुझे नहीं, शायद हो सकता है। चलिए उस बात का अगला खबर कि भाई आज सारे ही जो ब्रांड्स हैं वो इसी एक ही टेक्निक में कवर हो चुके हैं। जो सितंबर होने वाला है महीना, और सितंबर में एक और चीज़ है वो मैं आपको जल्दी रिवील करके बताऊंगा, फिलहाल तो मैं आपको वेट कीजिए। एनीवेज दोस्तों, पोको, जी हाँ, अभी देखो हमने कितना किया, मोटरोला, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, पोको, भाई 5 ब्रांड हो गए और भी है। एनीवेज दोस्तों, पोको की तरफ से ये खबर आ रही कि जो पोको वाले ट्वीट कर रहे थे ना, वो एंगूस काई हॉक वैसा कुछ उनका नाम है दोस्तों, वो कह रहे थे कि नॉर्ड किलर फ़ोन आ सकता है। अब ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है पोको X3, क्योंकि वो जो फ़ोन को टीज कर रहे थे, वो जो फ़ोन का जो कोड नेम था उसको हमने अगर वो आपको पता है डिजिटल चार्ज स्टेशन अंदर घुस के बाहर निकलते हैं कुछ ना कुछ निकाल के आते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पोको X3 हो सकता है, जो कि इस वक्त मौजूद है पोको X2 उसका सक्सेसर। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है पोको एक्स थ्री। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 20-25,000 ये रेंज में आ सकता है। एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, अगेन वही रूमर्स है, तो टेहरी का पंच ऑफ सॉल्ट। एनीवेज, और ये भी कहा जा रहा है कि ये नॉर्ड को टक्कर दे सकता है। प्रोसेसर के बारे में कुछ नहीं पता, बट अच्छा देंगे तभी तो नॉर्ड को टक्कर दे सकता है। देखते क्या होता है पोको क्या अच्छा करता है, या फिर पोको टीवी बन जाता है, ये तो जब आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। वैसे एक्साइटेड हो पोको X3 के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलिए और साथ का अगला खबर क्या है, अब दोस्तों रियलमी, जी हाँ, मतलब भाई साथ उसके साथ ब्रांड हो गए, तो भाई कर गलती हो गया, आज की टेक न्यूज़ हिस्ट्री बन जाएगी। हर एक ब्रांड एक ही टेक न्यूज़ में कवर हो गया, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो हम जिनको जानते हैं। देखते हैं कितनी सारी ब्रांड्स आ जाती है, नहीं आती है, देखो पूरी टेक्निक पता चल जाएगा। एनीवेज दोस्तों, रियलमी भाई माधव शेठ जी, जो इंडिया के रियलमी के सीईओ, वो फाइनली वापस आ चुके हैं फ़ोन को बना कर, दो नए फ़ोन बना के। उन्होंने कहा #buildingthefaster7 ऐसा कुछ है उनका हैशटैग ट्विटर पे। और आज उन्होंने एक अलग ही मतलब लीक दे दी कि भाई हमने सबसे पहले 20W चार्जिंग दी, बाद में 30W दी, बाद में 50W दी, बाद में 65W दी। तो उन्होंने कहा व्हाट्स नेक्स्ट। अब मैं आपको बता दूं, जो ये जो बिल्डिंग द फास्टर बोल रहे हैं वो रियलमी 7 प्रो और मतलब जो रियलमी 7 सीरीज़ है वो ही होंगी, और ये 3 सितंबर को लॉन्च हो सकती है अकॉर्डिंग टू मुकुल शर्मा। ये जो डेट है वो उन्होंने ही बताई कि 3 सितंबर को मे भी लॉन्च हो जाए, मतलब 99% वो श्योर है, बाकी का उनको नहीं पता कि भाई ब्रांड ही चेंज कर दे। एनीवेज, रियलमी 7 सीरीज़ में 125W की चार्जिंग हो सकती है, लोग ऐसा कह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि वो शायद एक उसी इवेंट में नया चार्जर अनाउंस कर देंगे मे बी। बढ़िया, रियलमी है वो डेयर टू लीप करता रहता है, कुछ भी करता रहता है, तो भाई शायद हो सकता है कि रियलमी 7 प्रो में आपको मिल जाए
125 वाट की चार्जिंग या फिर उसका सपोर्ट, मतलब आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखते हैं सितंबर के फर्स्ट वीक में ये लॉन्च होएगा, ऑब्वियसली 3 सितंबर को। उन्होंने तो टीजर नहीं दिया लेकिन लग रहा है बहुत ही कमाल होने वाले हैं। रियलमी 7 प्रो, 7 तो ठीक है, उसमें भी आपको G90T 90Hz एमोलेड नहीं मिलने वाली है, IPS मिलेगी। लेकिन 7 प्रो में आपको कम रिफ्रेश रेट, ऐसा बताया जा रहा है कि कम रिफ्रेश रेट मिलेगी और एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। चलेगा, कम रिफ्रेश रेट होगी तो, क्योंकि माधव सेठ जी उन्होंने जो पोल डाला था कि भाई अब से हम कौन से फ़ोन लाएँ, हाई रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD या फिर रिफ्रेश रेट बिना एमोलेड, तो काफ़ी 89% लोगों ने कहा एमोलेड और 14% ने कहा, मतलब बाकी के लोगों ने कहा IPS। देखते हैं, मुझे लग रहा है एमोलेड होगा और ये बहुत बड़ा धमाका करेगा रियलमी, और देखते क्या होता है। ये तो जब आएगा तब मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले खबर की। लगे हाँ तो दोस्तों रियलमी का C17 और C20 ये भी दोस्तों आ रहे हैं, मतलब बहुत ही जल्दी दिवाली में आपको मिल जाएंगे ये दो फोन्स। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, सबसे पहले तो रियलमी C12 और C15 लॉन्च ही क्यों है, आई डोंट नो। हमें और सी नहीं चाहिए, हमें और एक्स चाहिए और नंबर सीरीज चाहिए, आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो भाई। ये लोग सी सीरीज पे काम करते जा रहे हैं, देखते क्या होता है। वैसे आपको अच्छा लग रहा है कि भाई सी सीरीज पे काम कर रहा है रियलमी, या फिर कोई अच्छा स्मार्टफोन अंडर 20,000 एकदम बढ़िया आप आराम से ले पाओ वैसा कोई फ़ोन आना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए साथ गलत अलग खबर क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, Xiaomi या फिर Redmi जो भी बोलो, अब इसकी तरफ से भी खबर आ गई, 8 ब्रांड स्मार्टफोन की आज कवर हो चुकी है। एनीवेज दोस्तों, Xiaomi Redmi इंडिया इन्होंने एक टीज़र डाल दिया कि 27th of August को हम अपना नया Redmi 9 ला रहे हैं। अब ये जो मलेशिया में गया था या फिर कहीं पे तो गया था Redmi 9C के नाम से, वही इंडिया में आ सकता है, देखते क्या होता है। Redmi 9 काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन लग रहा है, अब जब आएगा 27th August दूर नहीं है। और ये ऐसा भी कह रहे हैं कि इसमें ये जो Realme C12 है C15 उन दोनों को कड़ी टक्कर दे सकता है। अब मुझे नहीं पता ये बजट फ़ोन्स पे क्यों काम कर रहे हैं, मतलब हाँ ठीक है बजट के लोग भी होते हैं जो लोग 10,000 के अंदर ही फ़ोन लेते हैं, बट यार ज़्यादा लोग जो होते हैं वो 30 नहीं लेकिन 20-30 हज़ार रुपये का लेते हैं। एनीवेज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप एक बार स्मार्टफोन लेने जाते हो तो कितने बजट में लेते हो, आज का सवाल आप सबकी के लिए वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। चलिए और स्टार्ट करते हैं अगला खबर क्या है यहाँ पर दोस्तों, Asus की तरफ से, जी हाँ Asus Zenfone 7 एंड 7 Pro ये दोस्तों 26th of August को लॉन्च होने वाले हैं। थम जाइए ताइवान में लॉन्च होगा, इंडिया में नहीं होगा। तो लग तो ऐसे रहा है कि ताइवान के बाद थोड़े ही वीक्स या फिर महीनों में आ जाएगा इंडिया में भी, 1-2 महीने में। इंटरेस्टिंग है ये फ़ोन भी, इसमें आपको स्नैपड्रैगन जो 7 होगा उसमें आपको 765G मिलेगा और जो प्रो होगा उसमें आपको 865 मिलेगा। इंटरेस्टिंग फ़ोन्स हैं और इसमें आपको ऐसा बताया जाए कि IPS LCD प्लस नो रिफ्रेश रेट मिलेगा। अब अगर ये हो जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप मुझे कुछ बोलना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है Asus का Zenfone 7 और वगैरह वगैरह का, वो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। वैसे आप कुछ कहना है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्या आपको पता है कि दोस्तों वर्ल्ड का सबसे पहला जो वायरस था वो दोस्तों सिर्फ एक बनाया गया था एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कंप्यूटर वायरस होता है उसके लिए, और मतलब वो देखने के लिए कि क्या वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे जा सकता है, वो देखने के लिए उन्होंने बनाया था, जो कि और उसका नाम था दोस्तों क्रीपर। जी हाँ ये एक फैक्ट है जो आपको मानना पड़ेगा। तो आज के टेक्निक्स व्यापार खत्म हो जाते हैं, मत करो आज के टेक्निक्स पसंद आए लाइक करो और जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब नीचे डालो। और मैं इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और बताओ मुझे कमेंट में ज़्यादा क्या करूँ गेमिंग टेक्निक्स, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। चलो बाय।